हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आज के लेक्चर में हम लोग पावर ऑफ लार्ज नंबर्स डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम आइलर्स टोरशन फंक्शन पे बेस्ड प्रॉब्लम है और आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने ऑलरेडी आइलर्स टोरशन फंक्शन की मेरी वीडियो देख ली है। सो आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ हैकरलैंड हैज फॉर्म्ड अ न्यू फुटबॉल क्लब एंड वॉन्ट्स टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग फुटबॉल लीग ऑफ देयर कंट्री। The coach is worried that they will not be able to qualify because they don't have a famous footballer in their team. The assistant coach suggests that the team should buy Cristiano Ronaldo as he can single-handedly get their team qualified. On day one, today, the club has to pay a hacker coins in order to buy Ronaldo. After each passing day, the price of buying Ronaldo becomes 8 times the price of the previous day. Any normal person would buy him on the first day itself, as the price will be the lowest. But since coach always failed in high school mathematics, he wants B days to think before making him an offer, as the coach does not know how to calculate the price of Ronaldo on the B-th day. He asked your help. So your task is to tell the price of Ronaldo on the B-th day. Since the price can be very large, please tell him the price modulo 10 raised to the power 9 plus 7. So iska simple sa meaning ye, is question ko samajhne ke baad ki maan lijiye ki agar A is the price today, so B days ke baad jo uski price hogi wo multiply hoti chali jayegi. तो इसका मतलब है कि a into a आप करते चले जाएंगे और b डेज के बाद अगर आप डिसीजन लेने वाले हैं तो a रेस्ट टू द पावर b आपका इसका प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आप a को a से b टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नाउ इसका ये भी कहना है कि जो आंसर है वो काफी बड़ा हो सकता है, तो जो आपका आंसर है उसका मॉड्यूलो 10 रेस्ट टू द पावर 9 प्लस 7 निकालना है। आइए इसके हम कंस्ट्रेंट्स को देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10 हो सकते हैं, ए बी की जो वैल्यू है वो काफी बड़ी हो सकती है। 10 रेस्ट टू द पावर दिस इज 1 लाख, 10 रेस्ट टू द पावर 1 लाख, सो मतलब कि 10 रेस्ट टू द पावर 10 रेस्ट टू द पावर 5 बहुत बड़े नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि इसको हम यूजुअल वेरिएबल्स में तो स्टोर नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो इनका इनपुट है वो इसमें गिवन है, स्ट्रिंग के फॉर्म में गिवन है। आप देख सकते हैं ये जो हमने हाईलाइट किया है, इस हाईलाइट में ये पहला नंबर ए है और ये दूसरा नंबर जो है वो बी है, तो बहुत बड़े नंबर से ये। इसी तरह से ये जो नीचे गिवन है टेस्ट केसेस में भी ये पहला नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है। तो आपको क्या करना है कि जो आंसर आपका है वो स्टोर करना है, वो उसका मॉडुलस 10 रेस्ट टू द पावर 9 प्लस 7 लेना है। एक और कंस्ट्रेंट गिवन है कि ए मॉडुलस 10 रेस्ट टू द पावर 9 प्लस 7 इज नॉट इक्वल टू 0। फाइन, सो ये हमारे जो सैंपल इनपुट है उसमें अगर आप ध्यान से देखें कि 3 रेस्ट टू द पावर 2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका 9 आ जाएगा। अगर आप 4 रेस्ट टू द पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 1024 आ जाएगा। 7 रेस्ट टू द पावर 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2401। आपको यही रिटर्न करना है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जो आपको नंबर्स गिवन है वो काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। अब देखते हैं कि इनपुट का हमारा फॉर्मेट क्या है। सो फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर टी द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, इट्स फॉलोड बाई टी लाइन्स। Each test case will contains two integers a and b separated by a space. जो function हमें इसमें given होगा वो function में string के form में हमें दो numbers given है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा function है इस function में string 1 और string 2 given है, और हमें ये मानना है कि जो string 1 है वो a को denote करता है और जो string 2 है वो b को denote करता है। तो हमें स्ट्रिंग से नंबर बनाना पड़ेगा, सबसे पहला टास्क तो हमारा। दूसरा टास्क हमारा क्या है कि हमें पावर जनरेट करना होगा। तो सबसे पहले हम पावर की बात को समझते हैं आयलर्स थ्योरम के हिसाब से। अगर मुझे a रेस्ट टू द पावर b मॉड m कैलकुलेट करना है, सो दिस इज इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर b मॉड 5m, 5m नॉट 5n, n जो भी आंसर है उसको मॉडल ले लीजिएगा। एक बार फिर से अगर हम रिपीट करें कि हमने ये बताया है कि अगर हमें कैलकुलेट करना है a रेस्ट टू द पावर b और जो आंसर आया उसका मॉडल करना है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू a रेस्ट टू द पावर
वीनी और बी का हमें मॉड लेना है इसके आयलर टोशन फंक्शन फाइव एम से और जो आंसर आए उसका मॉड ले लेना है एम से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होने जा रही है वो फाइव एम होने जा रही है। दूसरा क्या है कि जब आपको पावर निकालना चाहेंगे तो जो नंबर ए है और नंबर ए अगर बहुत बड़ा नंबर है उसको आपको हैंडल करना है तो उसमें उसको कंप्यूट करते समय आप मॉड एम ले लीजिए। लेकिन जो बी है उसका जब आप कंप्यूट कर रहे हैं या बी को जब आप निकाल रहे हैं तो उसको कंप्यूट करते समय बी की वैल्यू मॉड फाइव एम कीजिए। ओके, सो हम दो स्टेप में करेंगे इसको, पहले ए फाइंड करेंगे फिर बी फाइंड करेंगे देन ए रेस टू द पावर बी फाइंड करेंगे। लेकिन ए फॉर्म करते करते चूंकि ए नंबर बहुत बड़ा है किसी एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा तो जो इसकी वैल्यू है उसको मॉड एम करते चलिएगा जब भी आप इसको कंप्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने ए को फाइंड करने के लिए एक सम ले लिया, सम को जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, तो जैसे अगर हम मान लें कि ये वाला हमारा एग्जाम्पल है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सम मल्टीप्लाइड विद 10 प्लस 3 निकाल लेंगे। सो सम मल्टीप्लाइड विद 10 प्लस 3 जब हम निकालेंगे सो दिस विल बी 0 इंटू 10 प्लस 3 तो 3 नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 10 प्लस 4 कर देंगे 34 हो जाएगा। तो धीरे धीरे नंबर निकालते रहेंगे लेकिन जब भी आप नंबर निकालें तो उसको एम से मॉड कर लीजिएगा। फाइन, तो नंबर बड़ा जब भी होगा तो उसको छोटे में रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो ये तो ए के लिए हो गया। लेकिन जब हम बी जनरेट कर रहे होंगे तो क्या करेंगे कि बी भी हमारा बड़ा नंबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि बी हमारा नंबर इतना बड़ा है सो पहले 9 करेंगे फिर 3 करेंगे 9 में 3 देन 934 करेंगे फिर 9347 करेंगे। तो इसका जब भी आप नंबर निकालते रहें तो इसका 5m के साथ में मॉड भी निकालते रहें। तो नंबर जैसे जैसे आप बड़ा करते रहें इसको 5m से मॉड भी लेते रहें और फाइनली आप क्या कीजिएगा कि a रेस्ट टू द पावर b फाइंड कीजिएगा और जो भी आंसर आता रहेगा उसको मॉड करते रहिएगा मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन से। तो हम काम करते हैं कि फंक्शन पे चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन पे और इस इम्प्लीमेंटेशन में देखिए कि स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू गिवन है। सबसे पहले हम बी जनरेट कर रहे हैं लेकिन बी को जनरेट करने के लिए हमें इसका आयलर टोशेंट फंक्शन चाहिए। तो आयलर टोशेंट फंक्शन किसका चाहिए? 10 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 7 का चाहिए जिसकी वैल्यू हमारी एम है और एम जो हमारा है वो 10 रेज़ टू द पावर 9 प्लस 7 है और ये एक प्राइम नंबर है इसलिए इसका जो आयलर टोशेंट फंक्शन होगा That will be equals to m minus 1। ये मैंने आपको आयलर टोशेंट फंक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ था, आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। तो m minus 1 से हमें मॉड लेना पड़ेगा b का। सो हम b नंबर बना रहे हैं, कैसे बनाएंगे b को? अगर स्ट्रिंग 2 हमें गिवन है तो स्ट्रिंग 2 के एक एक करेक्टर को 1 by 1 पिक करते रहिए और उसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा? डिजिट में नंबर, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 9 कैरेक्टर है, 9 कैरेक्टर को हम 9 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 9 माइनस 0 हो जाएगा, इसका मतलब 9 हो जाएगा। इसी तरह से 7 माइनस 0 हो जाएगा, दैट विल बी 7। तो आपने उसको नंबर में कन्वर्ट किया, बी इंटू 10, बी की करंट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हम करेंगे और 0 में 10 मल्टीप्लाई करके पहला कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे। ये सम ऑफ डिजिट्स वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमने यूज किया था फर्स्ट ईयर में। सम इज इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाइड विद 10 प्लस डिजिट। तो ये हम कर रहे हैं कि डिजिट स्ट्रिंग 2 से निकाल रहे हैं और उसके बाद फिर हम नंबर बना रहे हैं, जो जैसे नंबर हम बनाते चल रहे हैं वैसे ही इसका मॉड ले रहे हैं m माइनस 1 से। यहाँ पे m माइनस 1 इसका आयलर टोशेंट फंक्शन है। फिर इसके बाद जो a नंबर है उसको मॉड m करके रिड्यूस करेंगे। इसी तरह से जैसे हमने b फाइंड किया वैसे a फाइंड कर लीजिए, a की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर लीजिए और स्ट्रिंग 1 से हमारा नंबर 1 मिलेगा। तो a जो नंबर है वो स्ट्रिंग 1 से मिल रहा है, उसका एक एक कैरेक्टर निकालिए और उसको न्यूमरल में कन्वर्ट कीजिए। a इंटू 10 प्लस स्ट्रिंग 1 i माइनस 0, इस तरह से आप नंबर बना लेंगे। जैसे जैसे नंबर ग्रो करता रहेगा वैसे वैसे आप मॉड m लेते रहिए। इस तरह से आपका जो नंबर ए है और नंबर बी जो है वो जनरेट हो गया है। अब आपको इसका पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकालना है? ए रेस्ट टू द पावर बी, जो भी इसका आंसर आया उसको आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लीजिएगा। तो हम पावर फाइंड करेंगे बाइनरी एंड मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का यूज़ करके। तो हमने क्या किया है कि ये देखिए आप, एन की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न कर देंगे 1,
अदरवाइज हम पावर ए रेस टू द पावर एन बाई टू जनरेट करेंगे या ए रेस टू द पावर बी बाई टू जनरेट करेंगे। यहाँ पे हमने बी की वैल्यू एन ले लिया, फंक्शन में एक्सेप्ट करते हैं, जो भी आंसर है उसका मॉड विद एन ले लीजिए। अगर एन इवन है तो पी इंटू पी मतलब कि ए रेस टू द पावर एन बाई टू मल्टीप्लाइड विद ए रेस टू द पावर एन बाई टू ए रेस टू द पावर एन होगा, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद फिर हमने अगर ये देखा कि अगर ये ए रेस टू द पावर एन बाई टू मतलब कि एन की वैल्यू इवन नहीं है ऑड है, तो हमें एक एग्जांपल से समझना होगा इसको। मान लीजिए कि ए रेस टू द पावर 9 आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 9 बाई टू का वैल्यू 4 होगी, तो ए रेस टू द पावर 4 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ए रेस टू द पावर 4 की वैल्यू मिल चुकी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रेस टू द पावर 8 आएगा, और एक ए इसमें हमें एडिशनली मल्टीप्लाई करना होगा इसको ए रेस टू द पावर 9 में कन्वर्ट करने के लिए। तो यही आपने यहाँ पर टास्क किया। नाउ ए इंटू पी करेंगे फिर मॉड एम कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको फिर से पी से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर मॉड एम कर दीजिएगा और इसको रिटर्न कर दीजिएगा। तो ये हमारा बाइनरी और मॉड्यूलर एक्सपोनेंशिएशन का कॉम्बिनेशन फंक्शन है। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रिक है वो बी का बी नंबर को कैसे बनाना है और बी नंबर को कैसे रिड्यूस करना है मॉड का यूज करके। तो आयलर टोशन फंक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यही इसका ट्रिक है। तो इसको रन करके देखते हैं। So yes, you can see that all the test cases are passed. जो सैंपल टेस्ट केस है अब इसको हम सबमिट कर रहे हैं। Now you can see that all of the test cases are also passed. So we have solved this question beautifully. और इस क्वेश्चन का नाम है पावर ऑफ लार्ज नंबर्स। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है, इसको मीडियम लेवल का मार्क किया गया है, 40 मार्क्स की प्रॉब्लम है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल कम अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।